स्पेनिश ऑमलेट एक ऐसी रेसिपी है जो फिलिंग होने के साथ साथ टेस्टी भी होती है। सब्जियों के साथ इस रेसिपी को अक्सर ब्रेकफास्ट के तौर पे बनाया जाता है। अगर इस रेसिपी को हम बिना अंडों के बनाएं तो क्या बात होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे एगलेस स्पेनिश ऑमलेट, जो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर तैयार होती है और टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। अगर आप अंडा खाते भी हो तब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बैटर बनाएंगे, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में आधा कप बेसन ले लिया मैंने। इसके साथ ही यहाँ पे एक चौथाई कप मैदा ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड किया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश करके मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो वो डालिए, एक चौथाई छोटी चम्मच के करीब। अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और यहाँ पर जाएगा बेकिंग पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच के करीब। अब सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके एक सेमी थिक बैटर तैयार करेंगे। तो इस तरह से मिक्स करने पे इसमें लम्स नहीं रहता है, तो आप इसे फोक से भी मिक्स कर सकते हैं, अच्छी तरह से वो स्मूथली मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे लगभग एक कप पानी लिया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। और लगभग एक कप पानी लग गया है इसमें और यहाँ पर देखिए अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस, तो लगभग आधा छोटी चम्मच के करीब है ये। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम साइड में रख देंगे। इतने में हम दूसरा प्रोसेस करेंगे जिसमें हमें सब्जियों को फ्राई करना है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर की। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के आलू को काट लिया है। अगर कप से मेज़र करते हैं तो आधा कप आलू होगा, तो यहाँ पर मैंने इसे डाइसेस में कट किया है। आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे और एक कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। अब एक पैन गरम करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम तीन चम्मच के लगभग तेल। और तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हम आलू के पीसेस, और इसे पहले हमें कुछ देर तक पका लेना है, उसके बाद हम बाकी की सब्जियों को इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने। अब थोड़ा सा यहाँ पे नमक स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे एक बार और इसे हम मीडियम फ्लेम पे कवर कर देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए। इतने में आलू 50% तक डन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गया है, आलू श्रिंक हो गया है थोड़ा सा, देख सकते हैं आप। अब इस स्टेज पे हम इसमें पत्ता गोभी और प्याज दोनों एक साथ ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर से हम इसे कवर करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही। इतने में पत्ता गोभी की क्वान्टिटी भी कम हो जाएगी और इससे मॉइस्चर भी रिलीज होगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर दिया है। अब इसे कवर कर देते हैं और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मॉइस्चर है। तो अब इसे बिना ढके ही हम पकाएंगे इस तरह से। तो अब बिना ढके लगभग 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच, और आप देख सकते हैं सब्जियाँ क्रिस्पी होने लगी हैं और इनका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और यहाँ पे देखिए आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड किया मैंने। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद हमने जो बैटर तैयार किया था वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो बैटर को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए एक बार, क्योंकि हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है जो कि अंदर बैठ जाता है, तो उसकी वजह से पहले इसे मिक्स कर लीजिए और ऊपर में इस तरह से पोर करेंगे ताकि सब्जियां पूरी तरह से ढक जाए बैटर के अंदर। ये देखिए, तो बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा आसान, और टेस्ट तो पूछिए मत, जब आप बनाएंगे तो आप फील करेंगे। तो यहाँ पे बैटर डालने के बाद थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और ऐड कर देते हैं ऊपर से। गैस का फ्लेम यहाँ पर हमें लो कर देना है, इसे कवर कर देते हैं लगभग 6 से 7 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लगभग 7 मिनट हो चुका है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। ऊपर से ये ड्राई हो चुका है और चेक करने के लिए आप इसके साइड्स को देख सकते हैं, उन्होंने पैन को छोड़ दिया होगा और थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया होगा साइड्स। तो अब हम इसे फ्लिप करेंगे जिस तरह से हम स्पेनिश ऑमलेट को करते हैं। तो एक प्लेट पैन के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर गैस का फ्लेम आप ऑफ कर दीजिएगा, मैंने नहीं किया है बट आप कर दीजिएगा प्रिकॉशन के लिए। और इस तरह से फ्लिप करने के बाद हम इसे फिर से वापस पैन में डाल देंगे दूसरी साइड को पकाने के लिए। तो बहुत इजी वे है, आसानी से हो जाता है। अब फिर से हम इसे पकाएंगे कवर करते हुए लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। इसे कवर कर दिया है, 5 से 6 मिनट के बाद हम कवर हटा के चेक कर लेंगे। इतने में ये पूरी तरह से पक चुके होंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर का कलर बहुत अच्छा आया है। अब आपको मैं नीचे से दिखा देती हूँ। तो इसे सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद हम फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का कलर भी बहुत अच्छा आया है, ऊपर से पूरी तरह से क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से जूसी और मॉइस्ट। तो यहाँ पे हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अब कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हुए। तो ये देखिए आप ऊपर का टेक्सचर देख ही सकते हैं और अंदर से ये सब्जियों से पूरी तरह से भरी रहती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे मैं इसे तोड़ती हूँ तो आप देख सकते हैं इजीली ये टूट रहा है। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। कंप्लीट मील होने के साथ साथ आप इसे लंच बॉक्सेस के लिए भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी रहती है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।